फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको इंस्टेंट बनने वाले चिप्स वेफर्स की रेसिपी बताऊंगी। तो आपने आलू के वेफर्स, इंस्टेंट वेफर्स बहुत ही बनाए होंगे। आपने शायद ही कभी शक्करकंद के इंस्टेंट चिप्स या वेफर्स बनाए होंगे। ये वेफर्स सिर्फ 5 मिनट में बनके रेडी हो जाते हैं और खाने में ये आलू के चिप्स, आलू के वेफर से भी बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो आप ये एक बार जरूर बनाइए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। ज्यादातर ये बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और आलू के चिप्स वेफर से ये क्रिस्पी और ज्यादा स्वादिष्ट बनता है और इसमें तेल बहुत ही कम जाता है। तो आप देख सकते हो हमारे कुरकुरे शक्करकंद के वेफर्स चिप्स तैयार है और ये खाने में बहुत ही बढ़िया बने हैं। मैं उस पर सीजनिंग कर रही हूँ, तो आप इसे व्रत में, शिवरात्रि में भी बना के खा सकते हो। तो उसके लिए मैंने इधर आधा किलो शक्करकंद लिया है। शक्करकंद को मैंने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था और मिट्टी मैंने अच्छे से निकाल दी। बाद में हम उसको पील कर लेंगे, छिलके निकाल देंगे। तो मैंने दो ऐसे शक्करकंद लिए हैं और अभी उसके ऊपर का भाग और नीचे का भाग मैंने निकाल दिया है और ग्रेटर ले लिया है। तो पतले जो आलू के चिप्स का ग्रेटर है वो लिया है, उसमें हम ऐसे पतले पतले चिप्स कर लेंगे। और जैसे ही आप चिप्स करते जाओ उसे तुरंत ही पानी में आप भिगो दीजिए, क्योंकि ये तुरंत ही काले पड़ जाते हैं। तो ऐसे मैं सारे शक्करकंद के चिप्स बना लूंगी। तो मार्केट से अच्छे चिप्स अगर आप घर पे ये तरीके से बनाओगे तो शक्करकंद है वो ज्यादा बेनिफिट्स है उसके आलू से भी। और मैंने अभी सारे चिप्स बना लिए हैं, अभी हम उसे मसल के अच्छे से ऐसे वॉश कर लेंगे, धो लेंगे। और मैं 2-3 पानी से धो के पानी चेंज करके उसे पानी में थोड़ी देर के लिए रहने दूंगी। तो 5 से 10 मिनट के लिए हम रहने देंगे। और अभी मैंने ऐसा नैपकिन ले लिया है और तो एक टाइम में कढ़ाई में जितने चिप्स आए उतने मैं लेके उसे मैं ड्राई कर लूंगी। जब भी आप तेल में ये चिप्स डालें तो उसमें मॉइस्चर, पानी है वो बिल्कुल रहना नहीं चाहिए, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो जितने चाहिए उतने मैं लेके ऐसे दबा के उसमें से पानी हम उसे निकाल देंगे। तो अब ये हो गए हैं और अभी मैं उसमें से जितने आ सकते हैं कढ़ाई में उतने मैं डाल दूंगी, ले लूंगी। और हम तेल एक बार गर्म हो जाए उसमें हम ये चिप्स डाल देंगे। तो जब ही एक बार तेल गर्म हो जाता है फिर आप उसे मीडियम गैस पर कर दीजिए और मीडियम गैस पर ही 2 से 3 मिनट तक हमें इसे फ्राई करना है। बीच बीच में हम उसे चलाते रहेंगे। तो मीडियम गैस पर मैं उसे फ्राई कर रही हूँ। तो 3 मिनट हुए हैं फ्राई होते हुए और ये एकदम क्रिस्पी हो गए हैं। अच्छे से तेल निकाल के ऐसे उसे किचन पेपर पर एक प्लेट में निकाल देंगे। तो ऐसे ही मैं दूसरे चिप्स है वो ड्राई कर लूंगी और इसे हम फ्राई करेंगे। और मीडियम गैस पर मैं सारे चिप्स बना के उसे फ्राई कर लूंगी। तो ये हो गए हैं, मैं उसे निकाल दूंगी। तो वेफर्स जैसे ही फ्राई होते जाएंगे हम उसे किचन पेपर पर निकालेंगे और वेफर्स जब भी हमारे गर्मा गर्म रहेंगे तब हम उस पर मसाले सीजनिंग करेंगे। तो अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो आप सेंधा नमक डाल दीजिए। तो ऐसे मैंने एक बाउल में निकाल दिया है। और व्रत के बिना अगर आप बना रहे हो तो रेगुलर नमक डाल दीजिए। अगर आप बच्चों के लिए मिर्ची नहीं डालना चाहते हो तो ये बच्चों के लिए तैयार है। अगर आप स्पाइसी थोड़ा खाना पसंद करते हो तो काली मिर्च पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर छिड़क दीजिए। मैं कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर छिड़क रही हूँ। और मिक्स कर देंगे और पलट देंगे सारे चिप्स को और ऊपर से थोड़ा और मैं सीजनिंग कर दूंगी। तो ये हमारे चिप्स तैयार है। आप इसे एक बार बना के
ठंडे हो जाए, बाद में आप उसे 15 से 20 दिन तक एयर टाइट डब्बे में स्टोर कर सकते हो। और ये एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि ये खाने में आलू के चिप्स से ज्यादा टेस्टी है और बनाने में आलू के वेफर से भी आसान है। तो आप ये मेरी रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।